हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, टकाटक हूँ। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, जो कि सुबह के 11 बज रहे हैं अभी। और मैं नहा धो के अपना रेडी हो चुकी हूँ, और आज है मंडे, तो मैं आज ऑफिस गई नहीं क्योंकि आज मैंने कर रखी है छुट्टी। तो मैं यहाँ पे कल आ गई थी, कल संडे को, आज है मंडे, तो आज मैंने छुट्टी इसीलिए की क्योंकि आज है मेरे देवर पिंचू का बर्थडे। तो मेरा देवर अभी छोटा ही है, मतलब अभी आज उसको 8वां पूरा हुआ और उसको 9वां है अभी, 9वां लगा। तो दोस्तों, इतना छोटा देवर है मेरा, कोई बात नहीं, बट क्यूट है, सही है। तो दोस्तों, मैं हूँ अपने रूम में। तो अभी मैंने मम्मी और पापा जी के कपड़े प्रेस किए, और अभी मम्मी भी आने वाली है मेरी सुमेरपुर से, क्योंकि पार्टी है तगड़ी। और आप सभी बोल रहे होंगे कि देवर का बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि मेरा देवर ही है ही छोटा, इसलिए तो बर्थडे मनाना ही है। तो और आज है मेरा फास्ट, मैं सुबह नहा गई थी, तो अभी तो मैं अपने रूम में हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बैठी हूँ, मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, और 11:30 बजे तक मैं खाना बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा तो है फास्ट और मम्मी पापा जी इन सब के लिए तो खाना बनाना नहीं है। तो बने रहिए आप सभी मेरे ब्लॉग में। और ओ माय गॉड, मेरी मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे आना होना। और ये मेरे, हाँ बाबा आना। अच्छा, तो अभी मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी आ गई है यहाँ पे पिंचू के बर्थडे में स्पेशल। चल मुड़ी मम्मी, दरमूला। तो मम्मी आ गई है। तो दोस्तों, अभी मैंने खाना बना लिया है घर वालों के लिए, दाल और चावल बन के तैयार हो चुका है, और मम्मी कर रही है यहाँ पे रेस्ट। एंड अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, तो थोड़ा सा बाल बाल बना लेती हूँ, उसके बाद मम्मी जी भी आने वाली है, घास लेने के लिए गई थी सुबह। तो हेलो दोस्तों, शाम की शुभ संध्या आप सभी को। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अपने रूम में हूँ, तो मैं आज सोई नहीं थी क्योंकि मेरा है फास्ट और मम्मी लोग सब सो रखे हैं अभी, तो थोड़ी देर बाद मेरा चाय बनाने का टाइम होगा। और अभी पापा जी जा रखे हैं मार्केट से पिंसू के बर्थडे के लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, सामान ले आना था, केक वेक तो सारा पापा जी लेके आ रहे हैं। और उसके बाद मतलब लगभग 4-5 मतलब 5:30-6 बजे तक हम थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, और उसके बाद आप सभी को बताएंगे। और बर्थडे बॉय तो आज बिजी है, सुबह स्कूल जा रखा था पिंचू, फिर वहाँ से आया, फिर उसने खाना खाया, फिर अभी ट्यूशन गया है, तो ट्यूशन से आने वाला है क्योंकि अभी 5 बज रही है। फिर उसके बाद ही हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और मेरे व्लॉग में बने रहिए दोस्तों। सो गाइज, अभी हमने पूरा डेकोरेशन कर दिया है, मैं और मेरे साथ वर्षा और मेरा छोटा देवर और मंकू, हम तीनों, हम चारों साथ में लगे हुए थे। और मैंने यहाँ पे किचन में काबुली चने की दाल भी बनाई है, और लेके चलते हैं आपको। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा डेकोरेशन किया है, और अभी प्लेट्स लगाई हुई है, इसमें नमकीन बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह, बाकी लास्ट में
केक रखा जाएगा इसमें। और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि हमारा डेकोरेशन कैसे लगा, आप सबको ज़्यादा तो है नहीं। सो हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ खाना बना के अपने रूम में। हालांकि अभी खाना खाया नहीं है और रात के बज रहे हैं 10, अभी तक खाना हुआ नहीं हमारा। बस मैंने बना के ऊपर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। और आप सभी ने देख लिया होगा कि कितना इन्जॉय किया हमने। बहुत सारे बच्चे आ रखे थे, मतलब सारे बच्चे इनवाइटेड थे। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हो गया और मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में। तो आज मेरा फास्ट भी था, मतलब मैंने तोड़ दिया है। तो अब खाना खाने के लिए मैं जा रही हूँ नीचे। तो आप सब ने भी खाना खा लिया होगा या फिर अब खाना खा रहे होंगे। मैंने अभी मना के ऊपर आई तो टाइम भी हो गया और कल सुबह मुझे जाना है ड्यूटी, इसलिए थोड़ा फटाफट कर लेती हूँ। और दोस्तों, आप सभी को कल के ब्लॉग में मिलेंगे। आप मेरे साथ ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को, डेली मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। और आप सभी को डेली की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। और ज़्यादा मैं आजकल बना नहीं पा रही हूँ वीडियो, क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी चल रही हूँ। इस वजह से 2-3 दिन ऐसे ही चले जाता है, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि अपने पास कुछ कंटेंट भी होना चाहिए ताकि हम उस वीडियो को बनाएंगे ना, इसीलिए। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तब तक आप सभी को कल के ब्लॉग में मिलेंगे। और अपना ख्याल रखें दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को। टेक केयर।